हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जब भी जो है बारिश वगैरह का मौसम होता है या फिर जो है आप किसी नदी या फिर ऐसे पानी से अपनी बाइक को गुजारते हो, सो ये जो ब्रेक है इसकी आवाज़ करने लगती है। सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी मैं ये बाइक चला रहा हूँ और इसको मैंने पानी से गुजारा था, तो कुछ इस तरह की आवाज़ जो आने लगती है, जो कि काफ़ी जो है इरीटेटिंग लगती है। मतलब हर बार आप ब्रेक को अप्लाई करोगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, तो ये जो है दिक्कत की एक बात होती है। और हर बार इसके लिए जो आपको व्हील को खोल के साफ़ करवाना, वो भी जो है वर्दी नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी पानी जाएगा उतनी बार ये आवाज़ आएगी और उतनी बार आपको जो है व्हील को खोल के इसके ड्रम को और इसके ब्रेक शूज़ को जो है साफ़ करवाना पड़ता है। सो इसके लिए आपको जो है मैं एक प्रॉपर सोल्यूशन बताऊँगा। तो भाई, इसके लिए मैंने लिया है WD-40 और मैं अभी जो है रोड में ही हूँ, तो रोड में ही इसको मैं जो है अप्लाई कर लूँगा। और इसको जो है अप्लाई करने के बाद मैं आपको ड्रम को खोल के भी दिखाऊंगा कि इससे क्या इफेक्ट जो है पड़ता है। सो सबसे पहले मैं आपको जो है इसको जो है अप्लाई करता हूँ। सो अप्लाई करने के लिए आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है इसको जो है ड्रम के यहाँ पे जो है जो दरार होती है उसमें थोड़ा स्प्रे करना है। बिल्कुल हल्का सा स्प्रे करना है, इतना स्प्रे नहीं करना कि आप इसको जो है एकदम भर दो। ऐसा करने से आपकी ब्रेक जो है वो फेल हो सकती है। तो बिल्कुल हल्का सा आपको इसको अप्लाई करना है। और हल्का सा अप्लाई करने के बाद मैं दोनों साइड इसको जो है अप्लाई कर लेता हूँ, आगे वाले पे भी इसको अप्लाई कर लेता हूँ। सो गाइस, हल्का हल्का मैं इसको अप्लाई कर दिया है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो कम हुई है या नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हो आवाज़ अभी बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। सो गाइस, इस तरह से आप भी जो है अगर आपकी बाइक में भी पानी जाता रहता है तो इस तरह से हल्का सा आप जो है WD-40 को स्प्रे कर सकते हो। WD-40 आपको जो है 100 रुपीज़ में जो है मिल जाएगी, एक छोटी स्प्रे की बोतल इसकी। और अभी मैं आपको जो है ड्रम को खोल के दिखाऊंगा कि क्या इससे जो है इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारी ब्रेक फेल हो जाएगी थोड़ा सा अप्लाई करने से, क्या जो है इसमें इफेक्ट पड़ा है। तो चलिए अभी ड्रम को इसके खोलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो ड्रम की कंडीशन, इसमें थोड़ा जंग लग गया है क्योंकि बाइक में जो है ये पानी जा चुका था, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है जंग लग गया है। बाकी का ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लुब्रिकेट हो चुका और ब्रेक नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है एक दो बार की ब्रेक थोड़ा कम लग रही है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एकदम जो है प्रॉपर सेट हो जाता है और आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जंग लग गया है। तो पानी जाने से ये नुकसान होता है कि आपका जो ब्रेक शू है वो एक टाइम आता है कि ये जो ब्रेक शू है ख़राब हो जाता है और बिल्कुल ये जो है ऊपर से जो है उखड़ भी जाता है। तो ऐसा भी मैंने जो है काफ़ी बार देखा है कि जो पानी में बाइक जाती है तो उसका ब्रेक शू भी उखड़ जाता है। सो कुछ इस तरह से जो है ये जंग जो है यहाँ पे लग गया है, जो कि थोड़ा WD-40 स्प्रे करने से उसमें जो है फ़ायदा होता है। तो इस तरह से गाइस, आपकी अगर जो है बाइक में ऐसे पानी जाता है तो आप हल्का सा WD-40 को स्प्रे करके उसकी जो ब्रेक की जो नॉइस है उसको ख़त्म कर सकते हो। सो गाइस, की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।